Good evening, students. Is my voice audible to everyone? Please type in the comment section so that if there is any discrepancy, I may remove it right now. So, shall we start? Okay. So, here you are for the preparation of Punjab lecturer 2022 economics, and I shall be teaching you ki kaise subject mein you have to score good marks. And for that, uske liye aapko pehle syllabus pata hona chahiye कि क्या क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है, माइक्रो कितनी आएगी, मैक्रो कितनी आएगी, और हमारे पास कोई स्टैट्स का पोर्शन है, मैथ्स का पोर्शन है, कौन कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज रहने वाली है हमारे पास, एंड हम उस चीज़ के अकॉर्डिंग उसमें डिवाइड करेंगे मार्क्स को कि कौन से हमने यूनिट को कितनी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस देनी है. ठीक है. और अगर हम हमारे पैटर्न के बारे में बात करें तो हमारा जो है वो दो क्लासेस हमारी रहने वाली हैं. दो हमारी क्लासेस रहने वाली हैं जिसमें हम एक में सब्जेक्टिव करेंगे एंड दूसरे में विल बी डूइंग ऑब्जेक्टिव. ठीक है. सब्जेक्टिव क्लास के अंदर विल बी स्टार्टिंग अप विद माइक्रो एंड ऑब्जेक्टिव क्लास के अंदर विल बी डूइंग अप मैक्रो. ओके. तो माइक्रो के अंदर हम ये सारे हमारे यूनिट्स रहने वाले हैं. ये आपने ऑलरेडी अपनी क्लासेस के अंदर किया हुआ है, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर यू हैव डन इट सो फार कि हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके अंदर हमारा डिमांड का क्या पोर्शन रहता है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या रहता है, प्रोडक्शन है, कॉस्ट है, रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें हमने क्या करनी है इसके अंदर स्टडी करनी है. ठीक है. हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अभी तक कुछ पूछना है? ओके. तो अगर हम बात करें हमारी इकोनॉमिक्स के बारे में, तो हमने ये सिलेबस तो ये हम लोग आपको आपके ग्रुप में भी भेज देंगे, बट एक बार फिर भी आप इस चीज़ को डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन कि कैसे ये हमारा पूरा क्या सिलेबस है. ये अब आपका माइक्रो का सिलेबस रहने वाला है, पूरा सिलेबस है. दिस इज पार्ट ऑफ द सिलेबस दैट आई हैव प्रेजेंटेड हियर इन फ्रंट ऑफ यू. ये आपकी माइक्रो के कॉम्पोनेंट्स रहने वाले हैं, डिमांड आएगा, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. और माइक्रो की क्लास के अंदर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्लास आपकी सब्जेक्टिव रहने वाली है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि क्या क्या हमारा, हम बहुत डेप्थ के अंदर नहीं जाएंगे, क्या क्या हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, धीरे धीरे उनके बारे में जितना रिक्वायर्ड है पेपर के व्यू पॉइंट से हम सिर्फ उतना ही करेंगे. अब ये मत समझना कि छोटे बच्चे की तरह हम आपको पूरी क्लास कराई जाएगी. दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि आप क्या कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी इकोनॉमिक्स की नॉलेज है. इट्स जस्ट दैट कि हमारे पास इतनी बड़ी किताब है, उसमें से हमने अगर प्रिपेयर करना एग्जामिनेशन के लिए तो वो इतना सा पोर्शन है. हमने पूरी किताब नहीं प्रिपेयर करनी है, हर टॉपिक में से इतना वास्ट वास्ट नहीं करना है, हर टॉपिक में से कितना करना है, कितना छोड़ना है, क्या इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ जो है वो आपको क्लास में प्रॉपर बताई जाएगी. एंड एट द सेम टाइम जब मैं सब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे आज हमारी सब्जेक्टिव क्लास रहने वाली है, तो उसके अंदर जहाँ पर मैं बोलूँ कि दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड या दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज इम्पॉर्टेंट, तो उस पर प्लीज़ अपने किसी डिफरेंट पेन के साथ, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप डिफरेंट पेन के साथ उस पर इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं. ठीक है. तो इम्पॉर्टेंट मार्क करने के लिए आपने क्या करना है, डिफरेंट पेन यूज़ करना है. इससे क्या होगा, एक तो आपका हाईलाइट हो जाएगा साथ के साथ कि आपने कौन से टॉपिक जो है, अच्छा इसमें से मैम ने बताया था कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है. इज इट ओके विद एवरीवन? ठीक है, चलें आगे. आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक. तो
तो हमारे पास क्या है, माइक्रो और मैक्रो के ये मत समझना, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि दिस इज नॉट ओनली अबाउट माइक्रो और मैक्रो, इसमें आपका मैथ्स भी आने वाला है, इसमें आपका स्टैट्स भी आने वाला है, इसमें आपकी थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी आएगी, थोड़ा बहुत आपका इकोनोमेट्रिक्स तो नहीं आनी चाहिए वैसे, बट कुछ कुछ अगर हमें लगा कि सिलेबस में कुछ मैंशनड है तो हम उन टॉपिक्स पे वी विल बी स्ट्रिक्टली एडहेरिंग टू द सिलेबस ओनली, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? तो आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी हमने किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी होती है तो सबसे पहला और दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सिलेबस डाउनलोड करना। अब आपको लग रहा होगा कि मैम हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक कोई सिलेबस नहीं आया, इट इज़ ट्रू कि आपकी सिलेबस जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक नहीं आया है, क्योंकि ये एग्जाम ऑलरेडी आपका 2015-16 में हो चुका है, तो इस वजह से उस हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है अपना चलने वाले हैं फॉर द टाइम में, क्योंकि अभी तक इसका कोई सिलेबस नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि जो पैटर्न पिछले रह चुका है वही पैटर्न जो है वो सब्सिक्वेंटली इस ईयर में भी फॉलो अप होगा, राइट? ठीक है, चलें आगे। तो आज हम अपनी जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या है, किसी को सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको 2015-16 का जब आप इसको लिंक खोलेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आपके पास क्या है, एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे आपके पास ये लिंक आएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा ये सिलेबस रहने वाला है। तो इस हमारे सेशन के अंदर हम एक बार सब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे, जब हमारा एक टॉपिक एंड अप हो जाएगा उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग थेरेटिकल एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आर फोकस इज़ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, एंड एट द सेम टाइम हमने सोचना है कि अगर एक टॉपिक पढ़ा है तो उसमें से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं और क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने कोई थ्योरी का एग्जाम तो करना नहीं कि इतना इतना पढ़ के जाना है, आपने लिमिटेड पढ़ना है, शॉर्ट पढ़ना है और उसको कंसेप्ट को दिमाग में रखना है, अगर आपको कंसेप्ट याद रहेगा तो वो कंसेप्ट के आसपास आपको कहीं पे भी घुमा ले आप घूम जाओगे, ठीक है? अगर आप एक विजन लेके चल रहे हो कि नहीं मेरे को इतना ही पढ़ना है, वो नहीं, हमने पेपर के हिसाब से उस चीज को पढ़ना है। सो विदाउट फर्दर हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हमारा बेसिक हम स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आगे आगे चलेंगे। और एक चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोगों को लगता है कि टाइम हमारा जो है वो कम से कम यूटिलाइज हो और हम कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी मैं आपको कोई टॉपिक करवाऊंगी, जैसे आज हम बेसिक्स करने वाले हैं, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन होगी ताकि एक बार आपका फ्लो बनना स्टार्ट हो, और बीच में जैसे ही हमारा फ्लो बना एक आधे लेक्चर के बाद विल स्पीड अप, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, आप स्पीड उठाएंगे, तो स्पीड कैसे उठेगी, अगर आप ऑलरेडी उस टॉपिक को पढ़ के आएंगे, तो जब भी नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा कि कल मैंने ये चीज़ करवानी है, तो इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप उस चीज़ को रीड आउट करके क्लास में बैठिए, ताकि आपके दिमाग के अंदर उस कंसेप्ट से रिलेटेड एक थॉट बना हो, और जब मैं उसको अपनी क्लास के अंदर आपको बताऊंगी तो वो चीज़ आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगी और क्लियर कट भी हो जाएगी, और उस टॉपिक पे हमारा टाइम भी कम लगेगा, ठीक है? तो आप लोगों की जो पेपर है वो हमारा टेंटेटिव जो है हमें लग रहा है स्केड्यूल के अकॉर्डिंग इट मे हैपन इन फेब्रवरी के मंथ, एट द एंड ऑफ फेब्रवरी और इन मे बी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिलेबस को एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर क्या है कंप्लीट करना है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलें आगे, किसी को कुछ डाउट है? ओके, सो आई होप सिलेबस क्लियर है आपको, ये आपका मैक्रो का सिलेबस रहने वाला है, इस पे भी आएंगे जब हम मैक्रो करेंगे, ये वापस से स्लाइड जो है दैट विल बी शोन टू यू, एंड हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे तब कि हमारा मैक्रो का क्या सिलेबस रहने वाला है, फाइन? चलिए, तो आज हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इकोनॉमिक्स है उसका क्या मीनिंग है, कैसे ओरिजिनेट हुई, क्या उसका सिस्टम चला, ठीक है? तो हम ये चीज़ें हमने जो मैं करवाने वाली हूँ ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं ग्रेजुएशन के अंदर, बट एक जो स्टोरी लाइन है
वो हमने बेसिकली सुननी है। अगर हम सोचें कि जो इकोनॉमिक्स है हमारे पास कि एकदम से कैसे आ गई और हमने एकदम से इसको ऐसा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये एकदम से नहीं आई थी, ठीक है। इकोनॉमिक्स तकरीबन 200 से 300 साल पुरानी चीज़ है, ठीक है। लोग जो करते थे, जैसे राजा महाराजा अपने टाइम पे रूल करते थे, अपना किंगडम चलाते थे, वो अपने रिसोर्सेस को मैनेज करते थे कि कैसे रिसोर्स बना चलाना है हमने, कि इतने फाइनेंसेस हैं, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना, कहाँ डोनेशंस देनी है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिन, मैं इसके पीछे नहीं जाऊँगी कि ओरिजिन कैसे हुआ कैसे नहीं, हमने बेसिक्स करने के लिए थोड़ा सा एक मीनिंग समझना है कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, कैसे सब्जेक्ट ओरिजिनेट हुआ और कौन कौन इसके अंदर एक एक करके अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डालता गया, कौन क्या क्या बोल के गया। फाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट विथ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का, तो इसका इंडियन ओरिजिन नहीं है, इट हैज बीन डराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, ओकियोस एंड नेमी, ठीक है। ओकियोस एंड नेमीन, ओकियोस का मतलब होता है हमारे पास हाउसहोल्ड और नमीन का मतलब होता है मैनेज। अब इकोनॉमिक्स का जो ओरिजिनेशन हम देखते हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये जो हमारे पास वर्ड ओरिजिनेट हुआ, वो ऐसे ओरिजिनेट नहीं हुआ था। उसका मतलब कैसे निकला था? उसका मतलब हमारे पास निकला था ओकियोस से और नमीन से, यानी कि कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि जब हम कोई घर को मैनेज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, तो जब भी हम किसी हाउसहोल्ड को मैनेज करते हैं, आपके फादर हैं, अगर अर्निंग है आपकी फैमिली के अंदर, तो वो आपकी मदर को एक महीने का बजट देते हैं। ठीक है, तो वो एक मंथली बजट जो है वो आपकी मदर को मिलता है, जिसमें क्या है, उन्होंने पूरे मंथ का एक्सपेंस को मैनेज करना होता है। तो जब हमने देखा, या जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, जब उन्होंने इस चीज़ को देखा, वो कहते हैं जैसे एक घर चलता है, हमारा देश भी तो वैसे ही चलता है। जैसे एक घर के अंदर एक फादर के पास एक मॉनेटरी रिसोर्स लिमिटेड होता है, जिससे वो अपनी फैमिली को रन करता है, उसी तरीके से गवर्नमेंट है, उसके पास भी जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी तो लिमिटेड होते हैं, वो भी तो उन रिसोर्सेज के अंदर ही अपने फाइनेंसेस को इस तरीके से मैनेज करता है कि कौन से सेक्टर पे कितना खर्चा लगाना है, एग्रीकल्चर पे कितना लगाना है, इंडस्ट्री पे कितना लगाना है, और सर्विस सेक्टर की डेवलपमेंट पे कितना खर्चा लगाना है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इकोनॉमिक्स का ओरिजिनेशन देखें, तो ये हाउसहोल्ड से निकल के एक लार्ज स्केल लेवल तक पहुंचा, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे ओकियोस का हमारे पास मीनिंग आया हाउसहोल्ड, जैसे एक घर को हम मैनेज करते हैं, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने क्या है कंट्री को जो है वो मैनेज करके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के वर्ड की, इसका मीनिंग तो हमने देख लिया कि इसका मतलब पहले कुछ था यहाँ पे आपके पास, इस तरीके से ओकियोस एंड नेमिन। अगर हम बात करें इसके यूज़ की, कि हमें कैसे पता चला कि इस सब्जेक्ट को हम इकोनॉमिक्स बोलेंगे या इस सब्जेक्ट को इकोनॉमिक्स नहीं बोलेंगे, हमें कैसे पता चला? तो एरिस्टोटल नाम का एक इकोनॉमिस्ट था, जिसने सबसे पहले जो है वो इकोनॉमिक्स टर्म को जो है वो यूज़ किया था। इन्होंने बोला कि जैसे एक फैमिली मैनेज होती है, उसी तरीके से एक स्टेट मैनेज होती है, लेकिन आज के टाइम पे हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, वो ये नॉर्मल इकोनॉमिक्स नहीं है, वो है हमारे पास एक फुल फ्लेज डिज़ाइन करा हुआ सब्जेक्ट, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हमारे पास हमारी नीड्स हैं, हमने किस रिसोर्स को किस नीड को फुलफिल करने में लगाना है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एक हाउसहोल्ड की एग्जाम्पल दी, अगर एक फैमिली के पास गिवन अपना एक बजट है, अगर एक गिवन फैमिली के पास गिवन अपना एक बजट है, तो बजट के अंदर वो क्या देखती है? बजट के अंदर जैसे मान लीजिए,
फॉर एग्जाम्पल तो हमारे पास बजट है मान लीजिए 10,000 का, मान लीजिए हमारे पास 10,000 का कोई बजट चल रहा है। अब हमें पता है कि 10,000 के अंदर अगर मान लीजिए हमें खर्चा करना है तो मेरे पास बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे फोन चाहिए तो मैं 10,000 रुपया फोन पे लगा दूंगी सीधा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी जो यूजेस हैं, अपनी जो नीड्स हैं, उनको प्रायोरिटाइज करते हैं कि पहले ये, फिर ये, अगर पैसे बच गए तो ये, पैसे बच गए तो ये, पैसे बच गए तो ये। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि इफ आई एम अर्निंग 10,000 अ मंथ, मुझे पता है मेरे को फ्यूल का खर्चा करना है, मेरे को अपने हाउस का रेंट देना है, मुझे अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे लिए एक प्रायोरिटी सेट है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके बाद जाके कहीं कुछ और देखेंगे कि अगर पैसे बचते हैं तो सेविंग है, तो फिर सोचेंगे कि क्या करना है, राइट? तो जब भी आपके पास आपका गिवन एक बजट होता है, आप अपनी नीड्स की एक प्रायोरिटी लिस्ट रेडी करते हैं, उस प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से आप अपने एक्सपेंडिचर करते हैं। मेरे को नंबर 1 पे ये करना है, नंबर 2 पे मुझे ये करना है, नंबर 3 पे मुझे ये करना है। अगर मेरे पास पैसे बचते हैं तो अगर मेरी फैमिली के अंदर कोई फंक्शन आ गया मान लीजिए तो मैं ड्रेस ले सकती हूँ, अदरवाइज मैं क्या करूँगी, पुरानी ड्रेस से काम चलाऊंगी। फाइन, तो हम इकोनॉमिक्स के अंदर अपने रिसोर्सेस को मैनेज करना सीखते हैं। और कैसे सीखते हैं, हम आगे की तरफ धीरे धीरे देख रहे हैं कैसे कैसे आया ये वर्ड। अगर हम ये वर्ड के बारे में पर्टिकुलरली डिस्कस करें तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड यूज किया गया था दैट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज बाय एरिस्टोटल। बट एरिस्टोटल ने हमारे जो हम स्टेट के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स लगाते हैं उसमें नहीं यूज किया इसने इस वर्ड को। इस वर्ड को हमारे पास डॉक्टर मार्शल जो है एक फुल फ्लेज फॉर्म में, एक सब्जेक्ट के फॉर्म में लेके आए जब उन्होंने अपनी बुक लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो द क्वेश्चन मे बी आस्ड कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इकोनॉमिक्स जो है वो वर्ड किसने यूज किया था। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन के अंदर एरिस्टोटल आता है तो यू कैन गो बाय एरिस्टोटल, लेकिन अगर एरिस्टोटल मेंशन नहीं है और डॉक्टर मार्शल मेंशन है तो गो बाय डॉक्टर मार्शल, ये तो बुक्स में भी लिखी हुई है चीज़। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास तो यू बेटर गो बाय डॉक्टर मार्शल, क्योंकि इकोनॉमिक सब्जेक्ट का आपका पेपर है और इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन एरिस्टोटल का नहीं था, उसने टर्म कॉइन करी थी, सिर्फ एक वर्ड बताया था, लेकिन एक्चुअल में उस टर्म को इकोनॉमिक्स में किसने यूज किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स अपनी बुक के अंदर डॉक्टर मार्शल ने। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ में आया? उसके बाद आज जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं धीरे 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 क्या है, हमारे पास एडम स्मिथ ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो डाला है। क्लियर हुआ यहां तक? अगर हम आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फाउंडर कौन है और ऑप्शन में दे दिया आपको एरिस्टोटल, डॉक्टर मार्शल, एडम स्मिथ और कोई और एक आधा इकोनॉमिस्ट उन्होंने डाल दिया, मान लो जेएस मिल डाल दिया उन्होंने, तो हम ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, एडम स्मिथ। क्लियर हुआ? हम यहाँ पे जो जो भी टॉपिक करेंगे उस टॉपिक के एंड में जाके हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और ताकि हमें क्वेश्चंस जब हम प्रैक्टिस करेंगे हमें ये पता चल जाएगा कि कंसेप्ट हमारा कौन सा वाला वीक है, उसके ऊपर हमने कंसेप्ट पे दोबारा काम करना है, और कौन सा हमारा स्ट्रांग पार्ट है, हम उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस जो है वो आगे चलाते जाएंगे। इज इट क्लियर सो फार? ठीक है, चले आगे। चलिए, तो नेक्स्ट
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने मतलब तो समझ लिया कि इकोनॉमिक्स के अंदर उन्होंने बात करी, राजा महाराजा अपने टाइम पे बात कर रहे थे कि हाँ जी भाई ये एक हमारी किंगडम ऐसे चलानी है, हमने इस तरीके से हमने रूल करना है, ये हमारे फाइनेंसेस हैं, यहाँ यहाँ पे हमने इनका एक्सपेंडिचर करना है, ये राज्य के साथ इतने की डीलिंग करनी है, ये राज्य के साथ इतने की डीलिंग करनी है एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में बात करें, क्योंकि एक स्पार्क तो आ गई थी, एक स्पार्क तो इकोनॉमी एक वर्ल्ड पे लेवल पे आ गई थी कि हाँ जी भाई सब्जेक्ट है कोई इकोनॉमिक्स, लेकिन है क्या? अब मैं आपको कहूँ कि ये क्या है, तो हर बंदा इसको देख के अपना अलग अलग व्यू पॉइंट कुछ बताएगा, ठीक है। कोई कहेगा कि ये ब्लैक कलर का कुछ है, कोई कहेगा ये पेन है, कोई कहेगा ये मार्कर है, यानी कि आप जितने लोगों के सामने कोई चीज़ लेकर आओगे, हर एक पर्सन का अपना अपना उस चीज़ से रिलेटेड नजरिया होगा, अपना अपना थॉट होगा। उसी तरीके से जब एक सब्जेक्ट इवोल्यूट होके आ रहा है मार्केट के अंदर या इकोनॉमी के अंदर हमें दिख रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो क्योंकि हमारे फाउंडेशन स्टोन जो है वो चाहे डॉक्टर मार्शल ने ले किया था, लेकिन प्रॉपरली जो हम आज बात करते हैं कि मॉडर्न फॉर्मुलाइज जो हमारे फॉर्म में अगर हम देखें कि कोई सब्जेक्ट निकल के आया, तो दैट इज फ्रेम्ड आउट बाय एडम स्मिथ। तो हमारे पास एडम स्मिथ थे हमारे, जिन्होंने हमारे पास एक फाउंडेशन स्टोन जो है वो ले किया था। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन बंदा आया, क्या क्या बोल के गया। देखिए, इसकी डेप्थ में जाना इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर सिलेबस, ऑल यू शुड नो इज कि कौन बंदा आया, क्या बात बोल के गया, ठीक है, क्यों बोल के गया, क्यों नहीं बोल के गया, इसमें नहीं पढ़ना आपने। ये सिर्फ एक बेसिक है कि हो सकता है शायद वो आपको ये डेफिनेशन लिख दे और बोले कि हाँ जी भाई ये किसने दी थी, तो हम पॉपुलर पॉपुलर वाली ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अनपॉपुलर वाली करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एडम स्मिथ जी आए, उन्होंने अपनी वेल्थ डेफिनेशन दी। मीनिंग में तो हमने क्या कर लिया कि एक सब्जेक्ट को बता दिया कि ये ऐसा सब्जेक्ट होता है, भाई अगर उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है तो उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट के अंदर हमने ये पढ़ना है। और मेरे लिए अगर मैं बात करती हूँ ये सब्जेक्ट का, अगर मेरे को कोई नाम लेता है तो बाय दिस सब्जेक्ट आई मीन दिस, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई पूछे अच्छा साइंस रखी हुई है उन्होंने, तो व्हाट डज दैट मीन, इट मींस उसने उसके फिजिक्स रखी हुई है, केमिस्ट्री रखी हुई है, बायो रखी है, जूलॉजी, अब बहुत सारी, अब साइंस के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आप कौन सी साइंस के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो उसी तरीके से हर सब्जेक्ट की अपनी एक डेफिनेशन होती हैं, हर एक पर्सन का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है जिसके अकॉर्डिंग वो ये बोलता है कि हाँ जी भाई मेरे अकॉर्डिंग इस चीज़ का मतलब ये है। तो हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो वेल्थ एडम स्मिथ आए, उन्होंने क्या दी अपनी वेल्थ डेफिनेशन। तो हमने एडम स्मिथ के बारे में दो बात पढ़ ली अभी तक, कि एक तो ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं, एंड दूसरा क्या है, ये इन्होंने अपनी डेफिनेशंस के अंदर अगर हम बात करें कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो इन्होंने अपनी वेल्थ डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स की हमें दी है, ठीक है। तो एडम स्मिथ की एक बार हम डेफिनेशन रीड आउट कर लेते हैं, फिर हम इसके मीनिंग को समझेंगे कि इन्होंने एक्चुअल में बोला क्या है अपनी डेफिनेशन के अंदर। तो बाय इकोनॉमिक्स ही मेंट एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, इट्स स्टडी इंक्लूड्स द कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जब भी आपको किसी इकोनॉमिस्ट की कोई डेफिनेशन के बारे में बताया जाता है, तो ऑल यू हैव टू डू इज टेक आउट द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या है, जो उसकी डेफिनेशन के सबसे इंपॉर्टेंट बात जो वो बोल के गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, दैट इज फर्स्ट इज दिस वेल्थ, फर्स्ट इज वेल्थ, सेकेंड इज कुछ कॉजेस। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आती है हमारी वेल्थ, और दूसरा हमारा आता है इसके अंदर हमारे कॉजेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके अकॉर्डिंग वेल्थ का मतलब क्या था। अगर आप किसी लेमैन के आगे आज बोलो ना कि वो बहुत वेल्दी बंदा है, तो वेल्थ का मतलब क्या है यहाँ पे, उसके पास
वो बंदा अमीर बहुत है, उसके पास पैसा बहुत है, लेकिन बाय वेल्थ ही डजंट मीन मनी। इसका मतलब वेल्थ से क्या था? मटीरियल, गुड्स। इन्होंने बोला कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ मटेरियल गुड्स को कंज्यूम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं? एसी ऑन कर लेते हैं, फैन ऑन कर लेते हैं, कूलर ऑन कर लेते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो मटेरियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप अपने सामने देख सकते हो। अब अगर फैन चल रहा है रूम में तो फैन को आप चलता हुआ देख सकते हो, ठीक है, और अगर एसी चल रहा है रूम में तो एसी को चलता हुआ भी देख सकते हो कि चल रहा है एसी, एसी सामने लगा हुआ है, लगा हुआ दिखता है, चलता हुआ दिखता है, फैन भी लगा हुआ दिखता है, चलता हुआ दिखता है। तो उसी तरीके से तो इनकी वेल्थ के से मतलब ये था कि मटेरियल गुड्स, मटेरियल गुड्स जिनको कोई भी इकोनॉमी में कंज्यूम किया जाता है। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इन्होंने नॉन मटेरियल गुड्स के बारे में बात नहीं करी। नॉन मटेरियल गुड्स के बारे में इन्होंने बात नहीं करी, कहने का मतलब ऐसी गुड्स जिनको आप देख ही नहीं सकते, यानी कि आप नॉन मटेरियल गुड्स बोल लो या आप उनको बोल लो आज के टाइम पे सर्विसेज। इन्होंने सर्विसेज के बारे में बात नहीं करी, कहते उसको देख ही नहीं सकते हम, उसको तो फील कर सकते हैं, डॉक्टर है, लॉयर है, कारपेंटर है, ठीक है, इनकी सर्विसेज को आप फील कर सकते हो लेकिन आप इनको देख नहीं सकते। तो इस तरीके से इन्होंने बात करी कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होएगी इकोनॉमी में, एक्सचेंज चलेगा, बनाने वाला चीज़ बना रहा है, एक बंदे के पास एक बंदे को कंज्यूम करने के लिए चाहिए, दूसरे बंदे को बेचने के लिए चाहिए, दोनों जिन्हें आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ये इसको पैसे दे देगा, ये इसको गुड दे देगा, कंज्यूमर क्या करेगा, प्रोड्यूसर को मनी दे देगा और इन एक्सचेंज क्या ले लेगा, उससे गुड खरीद लेगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों के बीच में एक कंजम्पशन पहले हुई, फिर प्रोडक्शन हुई, एक्सचेंज हुआ, और उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चलती रहती है गुड्स की, कि ये गुड्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जा रहे हैं, पुअर सेक्शन के लिए, रिचर सेक्शन के लिए, मिडल के लिए, कॉमन मैन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में बात करें या वेल्थ डेफिनेशन के बारे में बात करें, कहते कोई भी कंट्री है वो इसी बात में लगी रहती है कि हम मटीरियल गुड्स को एक्वायर कैसे कर लें, हम मटेरियल गुड्स की कंजम्पशन कर रहे हैं, मटेरियल गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, नॉन मटेरियल की कंजम्पशन प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रही है। जब कंजम्पशन प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है तो एक्सचेंज कहाँ से होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होगी। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इन्होंने वेल्थ के बारे में बात करी, बाय वेल्थ ही मेंट मटेरियल गुड्स। इन्होंने अपनी डेफिनेशन के अंदर सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, इन्होंने ये देखा कि हर एक कंट्री क्या करती है, अपनी प्रोडक्शन को या हम कहें कि अपनी वेल्थ को कैसे जो है वो बढ़ा सकती है। अगर मैं कहूं कि मैं अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना चाहती हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ, प्रोडक्शन करके, मैं प्रोडक्शन कर लूँ, बहुत सारी प्रोडक्शन हो जाएगी, और हम कहते हैं ना कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, या सप्लाई सॉरी सॉरी सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो हमारे पास क्या है, अगर हम बहुत सारी प्रोडक्शन कर लेते हैं तो कंजम्पशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि कोई भी कंट्री जब वेल्थ एक्वायर करने की तरफ जाती है वो दो तरीके से कर सकती है, या तो वो डिमांड को इंक्रीज कर दे या वो सप्लाई को इंक्रीज कर दे। तो ये हमारे पास जो वेल्थ है हमारी, जो हमारी वेल्थ है ये, अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हो
वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हो, समथिंग रॉन्ग विद द मार्कर. तो इसको आप कैसे कर सकते हो वेल्थ को इंक्रीज? या तो आप सप्लाई को बढ़ा दो, जस्ट वेट, मार्कर काम नहीं कर रहा है ना, बीच में अब ब्लैक हो ऐसे हो जाता है बीच में, ये देखो. तो यू कैन इंक्रीज द सप्लाई और यू कैन इंक्रीज द डिमांड इफ यू वॉन्ट टू, इफ एनी नेशन वॉन्ट्स टू इंक्रीज इन द वेल्थ. ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन के हमने की पॉइंट्स देख लिए कि इन्होंने एक तो वेल्थ के बारे में बात करी और इन्होंने कॉजेज के बारे में बात करी. एक इन्होंने सर्विसेज को इग्नोर कर दिया कि सर्विसेज को नहीं लेना हमने, नॉन मटेरियल गुड्स की स्टडी हमने नहीं करनी है. और इन्होंने कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन जैसी चार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करी. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर सो फार. कॉमेंट्स कहाँ से लेने हैं? ठीक है, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू. यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क, अगर नहीं है तो प्लीज़ टाइप यस. तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ. चलिए, सो अभी हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इस चीज पे. चलिए, तो इसके बाद वेल्थ डेफिनेशन हमारी जो है वो आ गई. उसके बाद क्या है हमारे पास, वेलफेयर डेफिनेशन आई. तो वेलफेयर डेफिनेशन के अंदर हमारे पास, तो हमारे पास वेल्थ डेफिनेशन के अंदर एडम स्मिथ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो डाल के चले गए. उसके बाद क्या हुआ, आए हमारे पास डॉक्टर मार्शल. डॉक्टर मार्शल ने अपनी मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन दी. जस्ट वेट, सर ये बीच में ऐसे क्यों हो जाता है? दबाया जाता है ज्यादा जोर से. ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी वेलफेयर डेफिनेशन को हम कंटिन्यू करते हैं हमारा. तो हमारे पास डॉक्टर मार्शल आए और उन्होंने अपनी वेलफेयर डेफिनेशन जो है वो इकोनॉमिक्स की दी. अब इनकी डेफिनेशन और इनकी डेफिनेशन में क्या बेसिक डिफरेंस था, पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन कि इन दोनों में क्या डिफरेंस था. तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन विच आर अंडरटेकन टू एक्वायर मटीरियल गुड्स. तो इन्होंने मटेरियल गुड्स के बारे में बात कर ली, विच प्रमोट द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. तो इन्होंने दो चीज़ों के बारे में जो है वो बात करी, मटेरियल गुड्स के बारे में एंड वेलफेयर ऑफ
मैनकाइंड, जो हमारे एडम स्मिथ जी थे, उन्होंने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ वेल्थ के बारे में बात करी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, मटेरियल गुड्स के बारे में बात करी कि हाँ जी भाई कंज्यूम कर लो, प्रोड्यूस कर लो, एक्सचेंज कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो, मटेरियल गुड्स को सब खत्म। भाई कंजम्पशन हो रही है तो कुछ सेटिस्फेक्शन भी तो होनी चाहिए। एक बंदा कितनी गुड्स को कितनी बार कंज्यूम करेगा, क्या उसके टेस्ट रहेंगे, क्या उसके प्रेफरेंसेस रहेंगे, मेरी चॉइसेस क्या रहने वाली हैं, उसके बारे में स्टडी करना नहीं ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। तो हमारे पास डॉक्टर मार्शल वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर प्लस वेल्थ इन दोनों के बारे में बात करी। तो बेसिक डिफरेंस क्या रहा हमारे पास कि डॉक्टर मार्शल ने वेलफेयर डेफिनेशन दी, एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दी, दोनों ने ही सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया। इन्होंने भी देख लीजिए, आपने कहीं लिखा है कि इन्होंने नॉन मटेरियल गुड्स के बारे में डिस्कस किया? नहीं किया। तो हमारे पास डॉक्टर मार्शल ने क्या किया, मटेरियल गुड्स के बारे में बात करी और इन्होंने मैनकाइंड के बारे में बात करी, और इन्होंने ये बताया कि कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है, जब किसी मटेरियल गुड की कंजम्पशन करता है तो उसको उससे वेलफेयर होता है, जिसको आज हम अपनी लैंग्वेज के अंदर बोल देते हैं कि हमने किसी गुड को कंज्यूम किया, हमें सेटिस्फैक्शन हुई। ठीक है, तो इन्होंने वेलफेयर वर्ड को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है? तो हमने यहाँ तक अभी तक जो हमने डिस्कस किया, देखिए हम साथ साथ में जैसे एक स्लाइड कंप्लीट होगी हम उसको रिवाइज करेंगे कि हमने इस स्लाइड के अंदर शॉर्ट में क्या क्या जो है वो डिस्कस किया। ओके, तो हमने क्या किया, डॉक्टर मार्शल के अकॉर्डिंग हमने देखा कि इन्होंने बोला कि जो भी बंदा मटेरियल गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उसका भला भी तो हो रहा है भाई कुछ। ठीक है, तो वो भला हो रहा है तभी तो वो कंज्यूम कर रहा है, अदरवाइज वो क्यों कंज्यूम करेगा? कुछ ना कुछ तो उसको अंदर एक सेटिस्फेक्शन की पॉइंट फील होती है, एक सेटिस्फेक्शन टाइप ऑफ फीलिंग जो है वो उसको उसके अंदर किसी गुड को कंज्यूम करके प्रोड्यूस होती है, जिसको वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे गर्मी लग रही है तो मैं ठंडा पानी पीती हूँ, तो ठंडे पानी की मेरे लिए कुछ सेटिस्फेक्शन, अंदर जाके मेरी गर्मी दूर होती है, आई फील गुड। यस, दैट फीलिंग ऑफ गुडनेस दैट आई एम कंज्यूमिंग दिस गुड एंड आई फील गुड अबाउट इट, तो दैट इज वॉट इज कॉल्ड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आया? ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट हम चलते हैं आगे फिर हमारी स्कार्सिटी डेफिनेशन के अंदर। अब हमारी जो स्कार्सिटी डेफिनेशन थी दैट वाज गिवन बाय रॉबिन्स, इन्होंने क्या बोला, ये कहते हैं इकोनॉमिक्स एक साइंस है दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। यानी कि जो हमारे रॉबिन्स थे उन्होंने तीन बातें बोली। ठीक है, अगर हम इनके कीवर्ड्स की तरफ जाएं तो इनके हमारे पास कीवर्ड्स क्या थे, तो इनके कीवर्ड्स हमारे पास क्या थे, सबसे पहला कीवर्ड था इनका ह्यूमन बिहेवियर। ओके, सेकंड कीवर्ड क्या था इनका, एंड्स। थर्ड, स्कार्स मींस, और अगर हम फोर्थ देखें तो इनका था ऑल्टरनेटिव यूजेस। सो हमने इनके डेफिनेशन के अंदर चार कीवर्ड्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर लिए। कौन कौन से हैं हमारे पास, ह्यूमन बिहेवियर, एंड्स, स्कार्स मींस एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में तो डॉक्टर मार्शल भी बोल के गए थे, तो ये तो इसने ऊपर वाले से चिपका लिया एक तरीके से, है ना, जैसे मार्शल जी ने एडम स्मिथ से मटेरियल गुड्स चिपका लिए थे और अपनी वेलफेयर डाल दी बीच में, अपनी अलग डेफिनेशन बना दी, उसी तरीके से रॉबिन्स जी ने क्या किया, मार्शल जी से क्या खरीदा, क्या लिया, ह्यूमन बिहेवियर कॉपी किया और एंड्स, स्कार्स मीन्स और ऑल्टरनेटिव यूजेस ऐसा एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया। इसी वजह से इनकी डेफिनेशन को स्कार्सिटी डेफिनेशन कहा जाता है। अब देखते हैं कि इन्होंने बात क्या बोली। इन्होंने कहा कि हर एक इंडिविजुअल जो है, यहाँ पे एंड्स का मतलब है आपका वांट्स, मीन्स का मतलब है आपके पास रिसोर्सेस,
ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब मल्टीपल यूज। तो इन्होंने कहा कि हर एक इंडिविजुअल के पास जो उसके रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, स्कार्स। स्कार्स का मतलब लिमिटेड। स्कार्स का हमारे पास क्या मतलब होता है, लिमिटेड। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि कोई भी इंडिविजुअल है उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो उसकी वांट्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। और उसकी क्योंकि जो मींस हैं यानी जो रिसोर्सेज हैं उसके पास वो उसके मल्टीपली यूज़ हो सकते हैं, उनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, एक जगह के अलावा वो बहुत सारी जगह पे उन रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं। इस वजह से आपके अंदर क्या है, एक कन्फ्यूजन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं, उस कन्फ्यूजन को हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आती है, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आता कि मेरे अगर आपके पास, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास पैसे अनलिमिटेड हैं, अगर मेरे पास पैसे अनलिमिटेड हैं, व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स कि मैं जहां मर्जी खर्च करना चाहूँ उसको खर्च कर सकती हूँ, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहे ड्रेस लूँ, चाहे फोन लूँ, चाहे बिजली का बिल पे करूँ, चाहे घर का रेंट पे करूँ, चाहे ग्रॉसरी की शॉपिंग करूँ, चाहे एजुकेशन फीस, अगर कुछ इफ आई एम स्टडिंग समवेयर अगर मेरी फीस जा रही है तो चाहे मैं वो दूँ। तो दैट डजेंट मेक एनी सेंस टू मी कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पैसे लगाने कहीं मर्जी लगा दो। तो जब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं, उनके लिमिटेड होने की वजह से और इनके ऑल्टरनेटिव यूज़ होने की वजह से आप क्या करते हो, आपकी वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, उनके आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनके यूजेस बहुत सारे हैं, इस वजह से आपको चूज़ करना पड़ता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आप अभी चाहते हो मैं पैसा लगा दूँ, बट आपके पास, आपकी इच्छा है लगाने की लेकिन आपके पास पैसे हैं नहीं, तो इस वजह से आप क्या करते हो, अपनी उस डिमांड को पोस्टपोन कर देते हो कि कभी आने वाले टाइम पे जब पैसे होंगे ना तब इसको पूरा कर लेंगे, अभी नहीं करते इसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मेरे पास, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, एक मान लीजिए मेरे पास 50,000 की सेविंग पड़ी है। ठीक है, 50,000 की मेरे पास अगर सेविंग पड़ी है तो इसको मैं बहुत तरीकों से खर्च कर सकती हूँ। अगर आप किसी मर्जी इंडिविजुअल से पूछो, कोई कहेगा मैं तो सेविंग ही रखूंगा, मेरे तो घर के खर्चे चल रहे हैं, आई डोंट नीड टू स्पेंड दिस मनी, मैं फ्यूचर मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, किसी भी इमरजेंसीज के लिए ले लेता हूँ, रख लेता हूँ इसको। ठीक है, कोई कहेगा कि मेरे को ना फ़ोन की ज़रूरत है, तो मेरे पास पैसे मैंने इसीलिए जोड़े थे कि मैं फ़ोन खरीद लूँ, क्योंकि न्यू ईयर है, न्यू ईयर पे सेल लगती है तो मैं फ़ोन ले लेता हूँ। कोई कहता है मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, मुझे वॉशिंग मशीन खरीदनी है, मैं उसमें ले लेता हूँ। कोई कहता है कि अच्छा 50,000 पूरा नहीं लगाते, इसमें से कुछ खर्च कर देते हैं, बाकी सेव कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसके पास रिसोर्स, क्योंकि ये क्या है आपका रिसोर्स है, और ये क्या है, लिमिटेड है। लेकिन मेरे को सारा कुछ ही चाहिए, मान लो मेरा शौक आ रहा है, मेरे को कपड़े भी लेने हैं, मुझे फोन भी लेना है, मुझे गाड़ी भी लेनी है, नहीं तो क्या मैं 50,000 में सारे शौक पूरे कर सकती हूँ? नो। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी भाई, कि पहले ये पूरा करते हैं, ये करते हैं, फिर देखते हैं, फिर कुछ सेव करके ही रख लेते हैं, पूरे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। तो एवरी पर्सन इज ऑफ डिफरेंट ओपिनियन इन दिस केस। तो वॉट आई मीन टू से इज दिस 50,000 कैन बी यूज इन मल्टीपल वेज बिकॉज दिस वॉज योर रिसोर्स, आप इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो, और आपकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से कुछ ही ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, और इस वजह से क्यों, क्या प्रॉब्लम आती है हमारे पास, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि इस पैसे को कैसे लगाना है। इज इट क्लियर सो फार?
किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर, कुछ पूछना है और आगे चले? हाँ जी, चले आगे, चलिए। आई होप आप कमेंट सेक्शन में मेरे को भेज सकते हैं कुछ, अगर आपने कोई क्वेरी पूछनी है तो, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, लास्ट हमारी डेफिनेशन आती है इसके अंदर, हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन। अब कोई बंदा, वैसे कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे थे कि हाई पर समझ में ही नहीं आती सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, वो कहते इस सब्जेक्ट की डेफिनेशन ही नहीं हो सकती। कुछ कहते डेफिनेशन हो सकती है, जो कहते थे डेफिनेशन हो सकती है, उन्होंने अपने अपने, कईयों ने बीच में से अपने अपने व्यू पॉइंट दे दिए। अब जो एडम स्मिथ थे, जब उन्होंने अपनी वेल्थ डेफिनेशन दी, तो इनकी डेफिनेशन में कमी थी कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मटेरियल गुड्स की कंजम्पशन के बारे में बात करी। इन्होंने ये नहीं बताया कि जब एक प्रोड्यूसर किसी कॉमोडिटी की प्रोडक्शन करता है, तो प्रोडक्शन करने से उसको कुछ बेनिफिट होता है। वो प्रोडक्शन कैसे कर देता है, ऐसे कुछ भी मार्केट में बना के डाल देगा? नहीं, उसने ये देखना है कि लोगों को ज़रूरत किस कॉमोडिटी की है, उस अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करेगा। जब वो उस अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेगा, तो उसके गुड की कंजम्पशन भी होगी। इसको प्रोडक्शन करने से सेटिस्फेक्शन मिलेगी क्योंकि इसके पास प्रॉफिट आएगा, और इसको कंजम्पशन करने से सेटिस्फेक्शन मिलेगी क्योंकि ये गुड्स की कंजम्पशन करेगा। तो दोनों के बीच में एक्सचेंज चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज चलेंगी। इन्होंने इन चीज़ों के बारे में हमारे पास डिस्कस कर दिया, ठीक है। इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को नहीं स्टडी किया, जो इनकी डेफिनेशन की कमी थी उसको आगे जाके मार्शल ने पूरा कर दिया। उसने क्या कर दिया, मैनकाइंड का वेलफेयर। उसके बाद स्कार्सिटी डेफिनेशन है, इसने मैनकाइंड का वेलफेयर तो कर दिया, इसने ये नहीं बताया कि वेलफेयर हुआ कैसे, कौन सी ज़रूरत पूरी हुई, ज़रूरतें ऐसे कैसे सारी पूरी हो गई। इसने कहा कि जो आपका वेलफेयर हो रहा है, वो वेलफेयर कैसे हो रहा है कि आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो, आप जो कंज्यूम कर रहे हो, जो आपके पास कंज्यूम करने के लिए उसके लिए रिसोर्स था पीछे, वो क्या आपके पास अनलिमिटेड पड़ा था? इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हमारे पास हमारी वॉन्ट्स होती हैं और जो हमारे मीन्स होते हैं, इनके बीच में ऑपोजिट चलता है। ये चीज़ क्या होती है, एंड्स क्या होते हैं, हमारे वॉन्ट्स होती हैं। वॉन्ट्स क्या होती है, हमारी अनलिमिटेड होती हैं, और हमारे मीन्स क्या होते हैं, लिमिटेड। ओके, तो इस वजह से इनकी स्कार्सिटी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद आए सैमुएलसन। अब इन्होंने भाई साहब कोई अलग से काम नहीं किया, इन्होंने कुछ अलग से कंट्रीब्यूशन नहीं डाला, इन्होंने खेली गेम। ये कहते वेल्थ उठा लो, एडम स्मिथ ने वेल्थ डेफिनेशन दी, इसकी वेल्थ उठा लो, इसका वेलफेयर उठा लो, इसकी स्कार्सिटी उठा लो, और अपनी एक इकोनॉमिक ग्रोथ डाल दो, और चारों फैक्टर्स को कंबाइन करके अपनी एक डेफिनेशन बना दो। तो इनकी डेफिनेशन क्या थी, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट स्टडीज दोज एक्टिविटीज ऑफ मैन विच आर कंसर्न्ड विद द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ वॉन्ट्स और विद द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एफिशिएंट कंजम्पशन प्रोडक्शन एक्सचेंज एंड स्कार्स मीन्स हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। इफ यू रीड दिस डेफिनेशन केयरफुली, यू विल कम टू नो कि ये तीनों डेफिनेशंस को मिक्स कर दिया है उसने और कुछ नहीं किया। यानी इसकी क्या डेफिनेशन की कमी थी कि इसने वेलफेयर नहीं बताया, इसकी डेफिनेशन की क्या कमी थी, इसने रिसोर्सेज के बारे में नहीं बताया। इसने क्या किया, इसने तीनों को कंबाइन कर दिया और बोल दिया कि इकोनॉमी ऐसे ही ग्रो करती है, रिसोर्सेज को मैनेज करके चलती है, इस तरीके से मैनेज करती है कि हमारी वॉन्ट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल हो, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल होंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे, हमारा सेटिस्फेक्शन का पॉइंट अपने मैक्सिमम पे होगा, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी, हमारी प्रोडक्शन भी होती रहेगी अच्छी, हमारी कंजम्पशन भी अच्छी होती रहेगी। अगर एक बंदे को गुड को कंज्यूम करके सेटिस्फेक्शन अच्छी मिल रही है, तो वो कंजम्पशन ज्यादा करेगा। जब एक कंज्यूमर डिमांड मार्केट में जाके ज्यादा करेगा, तो बनाने वाला कमोडिटी भी बनाएगा, जब बनाएगा तो दोनों में एक्सचेंज भी चलेगा, दोनों में एक्सचेंज भी चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी चलती रहेगी उनके बीच में आपस में, तो इस वजह से इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करती रहेगी। ठीक है, समझ में आया यहां तक? हाँ जी, किसी को कोई क्वेरी है? जब भी कोई डेफिनेशन पढ़नी है बच्चे, अब इसमें आपके पास क्वेश्चन पता कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी थी, तो आपको पता होना चाहिए इनकी डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन या मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन भी बोला जाता है। क्योंकि
क्योंकि इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर और हमारे मटेरियल गुड्स को कंबाइन किया था, ठीक है, या इसको वेल्थ प्लस मटेरियल वेलफेयर भी बोलते हैं, वेल्थ प्लस ह्यूमन वेलफेयर, सॉरी मटेरियल वेलफेयर तो सेम ही हो गया ना। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इफ यू वांट टू नोट डाउन, वेल्थ प्लस ह्यूमन बिहेवियर। हाँ जी, किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर, कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, चले आगे। ये याद रखना, सैमुएलसन की इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन थी, रॉबिन्स ने हमारी स्कार्सिटी डेफिनेशन दी थी, डॉक्टर मार्शल ने हमारी वेलफेयर डेफिनेशन बोलो या मटेरियल आपकी वेलफेयर डेफिनेशन बोलो, एडम स्मिथ की वेल्थ डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशंस जरूर याद रख लेना, कीवर्ड्स याद रहेंगे तो हो सकता है आपको पूरी डेफिनेशन दे दें और पूछें कि ये किस, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हैं, आपसे अनपॉपुलर कुछ नहीं पूछेंगे, जो चीज बहुत पॉपुलर है वही पूछेंगे आपसे, राइट क्योंकि इस जो पेपर है उसका एक स्टैंडर्ड है, ऐसे नहीं है कि कुछ भी आ जाएगा, एक लिमिटेड डिफाइंड सिलेबस है, उसके बीच में से ही आपसे पूछा जा सकता है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, तो आप लोगों की जब हम ऑब्जेक्टिव्स क्लास स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम मैक्रो करेंगे, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और माइक्रो भी रीड आउट करनी स्टार्ट कर सकते हैं, आप ग्रेजुएशन की बुक्स में से पढ़ सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स में से पढ़ सकते हो, दोनों तरीके से पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत सारा नहीं पढ़ना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, हमने 2 महीने क्या 1.5 महीने के अंदर हमारा हमने टारगेट करना है ऑब्जेक्टिव को, ना कि सब्जेक्टिव को, तो इसलिए, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव को टारगेट करना चाहते हैं उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, वो हम यहाँ पे करेंगे अच्छे से, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास, हम कहीं बहुत टाइम लग जाएगा हमें, वो टाइम नहीं लगने वाला हमें, हम स्पीड से करेंगे फटाफट से। आप लोग प्लीज़ बी एक्टिव इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट आई कम टू नो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ताकि हम नेक्स्ट सेशन के अंदर उस चीज़ को आगे इम्प्रूव कर सकें, किसी को कुछ डाउट आता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, आई जस्ट टेक अ लुक एट द कमेंट सेक्शन। ओके, हाँ जी, तो अभी तक आपको पेपर के पैटर्न से रिलेटेड या किसी और चीज से रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो यू कैन आस्क, जितना भी क्लास में करवाया जाएगा रोज उसको प्लीज घर जाके टाइम दीजिए, उसको समझिए और उसके आगे भी पढ़िए, ऐसा नहीं है कि जितना करवा दिया उतना ही करना है, आप मेरे से आगे चलिए, क्योंकि मैं आप 1 घंटा ही पढ़ा सकती हूँ, आपके पास तो पूरा दिन है पढ़ने के लिए, आप जितना मर्जी पढ़िए उसको, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक खोलिए, ग्रेजुएशन की बुक खोलिए, टीआर जैन की बुक रेफर कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक अगर पढ़ना है आपने तो आप एचएल आहूजा की बुक को रेफर कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर करी होंगी। ठीक है, तो कल हम आगे इसका कंटिन्यू रखेंगे एंड कल हम बात करेंगे हमारी नेचर एंड इम्पोर्टेंस की। एक बार मैं आपको सिलेबस वापस से दिखा देती हूँ माइक्रो का, सर फिनिश ऑफ करना है इसको, ठीक है, तो नेचर एंड इम्पोर्टेंस जो है वो कल से हम स्टार्ट करेंगे, आज हमने बेसिक्स कर लिए हैं इसके थोड़े बहुत। ओके, सी यू टुमारो। ओके।